नमो अरहंकारं नमो सिद्धारं नमो वाय्यारं प्रमो वज्जायारं नमो लोये सवसाहुलं सुधात्मान मनेकांतं साधुत्तम मंगलं वंदे संदष्ट सिद्धार्थं संदष्ट सुप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे कुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः कायाते भये अरहंतादि महान। कैसी सुंदर वाचना चल रही थी निज वैभव के जन्म की, निज वैभव का जन्म कैसे होता है। भाई जिस वैभव को तुमने अपना वैभव माना वह तो धूल है, वह अपना वैभव ही नहीं, उसके लक्ष्य से परिणाम मलिन होते हैं, उसके लक्ष्य से परिणाम मलिन हो तो अभिमान होता है, दूसरों से ईर्ष्या हो, नहीं हो तो दीनता हो, खेल को खजानो वह वैभव जिसे तुम वैभव कहते हो वह खेल का खजाना कहा। पंडित बनारसी दास जी ने उस वैभव को क्या कहा, व्यासों के हेतु संपदा हमारी छूतो साधन अडारी जैसे जैसे नाक से। किसी को जुखाम हो जाता है तो नाक को जैसे छिनक करके अलग कर देता है, ऐसे ही वैभव छोड़ दिया संतों काय के लिए, अपने वैभव की प्राप्ति के लिए, निज वैभव का जन्म। अब तू संपदा है, एक चल एक अचल, वो वैभव दो प्रकार का, जैसे बाहर में चल संपत्ति और अचल संपत्ति होती है। जमीन जायदाद को चल अचल संपत्ति कह देती है, रुपया पैसा को चल संपत्ति कहती है। ऐसे एक नित्य शुद्ध संपदा है, एक अनित्य शुद्ध संपदा है। नित्य शुद्ध संपदाओं की खान भगवान आत्मा, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान है। अपने जो अनंत गुण हैं वह नित्य वैभव है अपना, और पर्याय में स्वानुभव प्रकट हो वह नित्य वैभव का जन्म है। किसी के घर में निधि गड़ी हो और उसे मालूम नहीं हो तो दरिद्री तो है, दरिद्र है नहीं, लेकिन दरिद्र जैसा वर्तन करने के लिए मजबूर है, क्या करें पैसे ही नहीं हमारे पास, ये तुम भी क्यों मांग रहे, अब पैसा तो है नहीं हमारे पास, बढ़िया व्यापार क्यों नहीं, पैसा तो है नहीं हमारे पास। घर में निधि गड़ी होने पर भी, धनी होने पर भी, जब तक धन का भान न हो ज्ञान न हो और बताने वालों का विश्वास न हो तब तक ये ही दरिद्र जैसा ही वर्तन करता है। जिस समय कोई उस निधि को बतावे और स्वयं उसका विश्वास करे निर्णय करे तब उसी धन का भान होता है, और जब उसे निकाल करके रखे तब वह धनी होता है। अनंत चतुष्टय के धनी रत्न रहने गुण धरे तपो धन, सुने होंगे सब ज्ञान धन दो प्रकार, एक तो ज्ञान गुण ज्ञान धन अपना है, और एक स्वानुभव ज्ञान का नाम ज्ञान है। आत्मा भगवान है तो अपने वैभव से वैभववान है, लेकिन
आत्मा भगवान है अनुभव करो। अनुभव से भगवान होने का मार्ग प्रकट होगा। जिसे स्वानुभव पूर्वक प्रतीति आई अपने स्वभाव की, वह ही भगवान का सच्चा भक्त है, सच्चा मोक्ष मार्ग। और जो अपने स्वरूप में मग्न हो गए, लीन हो गए, वे स्वयं भगवान। ध्यान रखना, एक भगवान बाहर में, एक भगवान भीतर। अंतर के भगवान को पहचाने बिना इन भगवंतों की भी सच्ची भक्ति नहीं होती, और उनकी भक्ति हुए बिना अंतर में भगवान दशा प्रकट नहीं होती। विचारना कि बाहर के भगवान अंतर के भगवान को निहारने के लिए है। सच्चे देव हैं सुदेव, लेकिन स्वदेव नहीं है। स्वदेव अपना शुद्ध आत्मा है। निज वैभव के जन्म की चर्चा चल रही है, जन्म कल्याण अध्याय है। निज वैभव के जन्म की चर्चा है, लेकिन भाई बाहर के वैभव को वैभव में मान करके मग्न हो रहे हैं, निज वैभव की खबर ही नहीं है। अपने पद की खबर नहीं, बाहर के पद में समझ रहे, बस यही हमारा पद है, ये तुम्हारा अपद है, ये तुम्हारा वैभव नहीं है। मतलब ये वैभव तुम्हारा ज्ञान नहीं है। कौन सा? जिसे तुमने ज्ञान मान लिया है, जिसे हमने ज्ञान माना है। अगर वह ज्ञान हो तो फिर अज्ञान किसको कहें? ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में ज्ञान को ही अज्ञान कहा है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान बहिर्मुखी है, जो ज्ञान अपने को पर्याय मात्र अनुभव कर रहा है, जो ज्ञान बाहर में सुख जान रहा है, उस ज्ञान को अज्ञान कहा है। और ये अज्ञान समझ करके एक जिज्ञासा जगना चाहिए। वैराग्य के लंघन भूख जगाने के लिए है। ये तुम्हारा ज्ञान अज्ञान है, ये काय के लिए? तो फिर ज्ञान किसे कहते? स्वानुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्म ज्ञान। पहले चर्चा आएगी ज्ञान किसे कहते हैं। जो ज्ञान अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवता है, उस ज्ञान की स्वच्छता में ये आदि पदार्थ भिन्न भाषित होते हैं। उस ज्ञान में आकुलता का नाम दुख है। आकुलता को दुख जानता है वो ज्ञान। ये बात की प्रतिकूलता को दुख नहीं है। ध्यान रखना, जगत के जीव प्रतिकूलताओं को दुख मानते हैं, आकुलता को दुख नहीं मानते। क्यों भाई, क्या परेशानी? तेरा तबीयत खराब है, वो लड़का नहीं मानता, दुकान नहीं चल रही, घर में अनुकूलता नहीं, इसको दुख मानना ही। आकुलता का नाम दुख है, और दुख का कारण तुम्हारी, दुख का कारण तुम्हारी भीतर है, बाहर नहीं। ध्यान रखना, परिणाम में ही दुख है, और परिणाम में ही दुख का कारण है। स्वभाव में दुख भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं, बाहर में दुख नहीं है और दुख का कारण है। बाहर में दुख भी नहीं है और दुख का कारण नहीं। घोर उपसर्गों की दशा में भी मनुष्य अंतर्मुख होकर के क्षमता रस का पान करते, आनंद में मग्न है। महाराज आपका कष्ट देखा नहीं जाता,
क्यों भाई, हमें तो कोई कष्ट नहीं, ये शरीर में कुष्ठ हो रहा है, बदबू आ रही है, हमें तो कोई कष्ट नहीं। क्यों? हमारे ज्ञान में यह भिन्न दिखाई दे रहा है। इसे रोग को दूर करने का उपाय क्यों नहीं है, विकल्प क्यों नहीं है कि इस रोग को दूर ही जानने में आ रहा है, दूर ही जानने, दूर कहो भिन्न कहो, ये शरीर दूर है या भिन्न है? बाहर में दुख का कोई कारण नहीं, दुख तो है ही, दुख का कोई कारण है, और आत्म स्वभाव में भी दुख नहीं है और दुख का कोई कारण भी नहीं, परिणाम में ही दुख है और परिणाम में ही दुख का कारण है। तो जो अपने व्यवहारिक परिणामों को ही, मोह राग द्वेष आदि भावों को ही दुख का कारण जानता है, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। जो पर पदार्थों की प्रतिकूलता को, इष्ट के वियोग को, अनिष्ट के संयोग को दुख का कारण जानेगा, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे अज्ञान कहेंगे। निश्चित समझना, निश्चय कर लेना इस बात का, इस जगत में कोई पर पदार्थ के कारण दुखी नहीं है। आकुलित भयो अज्ञान धा, अज्ञान के कारण ही, अपने अज्ञान के कारण ही, इनके अज्ञान के कारण ये दुखी नहीं है, दूसरे जीवों के अज्ञान के कारण दूसरा जीव दुखी नहीं है, अपने अज्ञान के कारण दुखी है, और अब अपने ही ज्ञान से सुखी होगा, कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। नकल नकल यशमान अन्यथा साध सिद्धि, अन्य प्रकार से साध की सिद्धि नहीं है। अज्ञानी ज्ञानी होता है, लेकिन अज्ञान में जिसे ज्ञान का भ्रम हो गया है वह कभी ज्ञानी नहीं होगा, है तो अज्ञानी और मन रहा है अपने को ज्ञानी। वह ज्ञान का झूठम बढ़ाने के प्रयासों में लगा रहता है, ज्ञान को अज्ञान को ज्ञान समझ करके बांटने में लगा है, उसे दूसरों पर करुणा आ रही है, अपने पर करुणा नहीं आ रही। भैया विचार करो, अज्ञान ही ज्ञान होता है, लेकिन अज्ञान में जिसे ज्ञान का भ्रम हुआ है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। मर्म की बात है, अरे ज्ञानी तो नहीं हो सकता, ज्ञानी होने की पात्रता भी नहीं, उसे न ज्ञानियों की विनय है, जो जानता है उसका अभिमान हो रहा है और जो नहीं जान रहा उसके लिए जिज्ञासा नहीं। उसे ये लग रहा है, एकदम सच्ची बात है, पारमार्थिक बात है, बाहर में भाई ज्ञान नहीं है, अंतर में अज्ञान है। बाहर के पदार्थों को जान जान करके कोई जीव ज्ञानी नहीं होता, जब तक ये जीव अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता। अप्रतिबुद्ध कहो अज्ञानी तो में सार में आइए चर्चा, ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? हजारों शास्त्रों के पढ़ने पर भी अपने को जाने बिना अप्रतिबुद्ध रहता है, क्या शास्त्र तो बेकार है स्वाध्याय करने में। अरे बेकार कह रहे हो, तुम्हें व्यापार व्यापार बेकार नहीं लग रहा, विषय भोग व्यापार नहीं बेकार नहीं लग रहे, खाना पीना व्यापार बेकार नहीं लग रहा, इस स्वाध्याय को बेकार कह रहे हो।
आज स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो कैसे ये बातों को समझ। बादल आए, बर्फी नहीं तो भी ठंडक तो आई, लेकिन उतनी ठंडक से खेती तो नहीं हो। बादल आ गई, आशा हो गई अब पानी बरसने वाला है, लेकिन पानी बरसे तब तो बीज बोया जाए तब तो खेती हो। स्वाध्याय में आ गए, परिणामों में थोड़ी कोमल बना है, लेकिन जब तक ये जीव अपने स्वरूप को न जाने तब तक अज्ञानी है। होता क्या है, अगर हम मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय में नहीं आते तो हम अपने को अज्ञानी मानते हैं, और जो नहीं आते उनको अज्ञानी मानते, और कदाचित हम आने लगे तो सोचने लगते हम कुछ हो। बस ये अवरोध स्पीड ब्रेकर है, या आगे बढ़ने के लिए बाधक है। हम तो सब जानते हैं, और जितनी अव्यवस्थाएं होती हैं वो इसी में, हम तो सब जानते हैं। सब जानते हो तो बताओ तुम कौन हो। बताओ ये कौन है, कैसे बता पाओगे अपने को जाने बिना। पहले चर्चा की थी हम, अपने को जाने बिना ये कौन है कैसे बता पाओगे। ये हमारी मामा है, अपने को जाने बिना कैसे कहो। ये हमारे चाचा है, अपने को जाने बिना कैसे कहो। ये हमारे पिताजी है, ये अपने को जाने बिना कैसे कहोगे। जब अपने को पुत्र जानोगे तब वो पिताजी दिखाई देंगे, जब अपने को भतीजा देखोगे तब पिताजी। ये हमारी जागृत था, जब अपने को रोगी देखोगे तब तो समझ में आएगी। पर पदार्थ हमें कैसे दिखाई देते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने को किस रूप में देखें। यदि हम अपने को ज्ञायक रूप में देखेंगे तब ये पदार्थ ज्ञेय दिखाई देंगे, जब तक हम अपने को ज्ञायक नहीं देखेंगे तब तक ये ज्ञेय दिखाई देंगे नहीं। कहेंगे हम सकल ज्ञेय, सब ज्ञेय नहीं। जब तक अपनी परिणति अपने से अभिन्न नहीं होगी तब तक ये भिन्न नहीं दिखाई देगी। शरीर भिन्न है कि अभिन्न बताओ। आप कहोगे शरीर भिन्न है, लेकिन शरीर भिन्न है ये कैसे कह रहे हो। अपने से अभिन्न हुए बिना शरीर भिन्न जाना नहीं जा सकता। दो ज्ञान थोड़ी होते हैं, एक ज्ञान ऐसा हो जो शरीर भिन्न जाने में आ जाए, एक ज्ञान ऐसा हो जो सीमा आत्मा जाने में आए। जिस ज्ञान एक है वो क्या नाम मधानी बिलोते, एक रस्सी के दो, उसके छोर दो है, लेकिन रस्सी ज्ञान एक है। स्व पर प्रकाश का ज्ञान एक है, एक ही ज्ञान में स्व का प्रकाश है, उसी ज्ञान में पर का प्रकाश। जिस ज्ञान में आत्मा अभिन्न भाषित होता है उसी ज्ञान में देह भिन्न भाषित होती है। अभी की चर्चा के आधार पर विचार करें तो बोलो, जिस ज्ञान में अपना वैभव अभिन्न भाषित दिखाई देता है उसी ज्ञान में ये वैभव धूल दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है। बार सोचो, चक्रवर्ती किस बल पर छह खंड के वैभव को छोड़ करके निर्गम दीक्षा को ग्रहण कर निज वैभव। अरे विचार तो करो, उद्देश्य तो आना चाहिए, प्रयोजन तो आना चाहिए, लक्ष्य तो जीवन का होना चाहिए कि पैसे लगे। दौड़ के चले जा रहे और दिशा से पता ना, ध्यान रखना दिशा बदले बिना दशा नहीं बदलती, दृष्टि बदले बिना
परिणति नहीं बदलती। बिना खूटे से खोए खोले हुए नाव खेने के समान है ये सारे प्यार। तुम्हारी नाव शरीर रूपी खूटे से बनी है, ये लग रहा है यही मैं हूं, तब तक तुम्हारा धर्म कहां से आया? कहां से ज्ञान होगा, कहां से धर्म होगा, कहां से सुख होगा, कहां से प्रभुता आएगी, कहां से आए? ये भीतर है कि बाहर? तुमने मान लिया ये हमारी प्रभुता का कारण है, झूठी बात। अरे ये हमारी प्रभुता में निमित्त भी नहीं है, इसका त्याग हमारी प्रभुता में निमित्त होगा। आप मालूम है प्रभु वे नहीं होते जिसके पास अपार वैभव है बाहर का, प्रभु वे होते जिनके पास परमाणु मात्र है, गुरु वे होते जिनके पास परमाणु मात्र है। ये सोच निकाल देना, पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? ध्यान रखना बिना पैसा वाले की पूजा करके आए हो आप। ये भ्रांति निकाल देना, बिना पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? घर नहीं होगा तो कहां रहेंगे? जहां रहोगे वहीं घर हो जाए। कैसी बातें करते हो, घर नहीं हो तो कहां रहेंगे? अरे अपने घर को पहचानो, घर में रहना भी पड़े तब तक ये मत देखिए ना ये हमारा घर, और नहीं तो निकल नहीं पाओगे, मरे ही निकलना होगा, जीवन में नहीं निकल पाओगे। कहीं बाहर जाओगे तो जी लगेगा चार दिन बाद अब तो घर चलो, और घर में रहते रहते कितने 40 साल भी हो गए और तो भी अपने रह रहे, अब कहाँ जाए? कहाँ जाए ये पूछ रहे हो? जिंदगी की चरण में आओ। कहाँ जाए ये पूछ रहे हो? अपने घर में जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है। वैभव के बिना कौन पूछे? विचार ना, बिना वैभव वाले की पूजा करके आयो, बिना घर वाले की पूजा करके आयो। ये बहिरंग बातें हैं, अंदर की बात देखो तो बिना राग वाले की पूजा करके आए। राग की पूर्ति में जो सुख मानते हैं वे धर्म के पात्र नहीं है। राग की पूर्ति में जो सुख मान रहे हैं, विषयों की प्रवृत्ति में सुख मान रहे हैं, वे जीव धर्म के पात्र भी नहीं है। कैसी नहीं कह रहे, पीछे देखने के लिए नहीं कह रहे, भीतर देखिए। अगर ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों का ही दोष देखने वाले ये क्या मानते हैं हमें इसी मतलब नहीं। हम क्या मानते हैं? हम क्या करते हैं ये नहीं, हम क्या मानते हैं। कल एक प्रश्न किया जाता है, पुजारी किसे कहते हैं? पुजारी जो पूजा करता है, आप यही तो कहोगे? अधूरा, बहुत अधूरा बात है। जो पूजा करते समय भी जिसे वेद ज्ञान बरता है उसे पुजारी कहते हैं। पुजारी उसे नहीं कहते जो केवल बाहर से पूजा कर रहा है, पूजा करते समय भी वेद ज्ञान जिसे बरत रहा है उसे पुजारी कहते हैं। सच्चा पुजारी वही है। क्या वेद ज्ञान बरत रहा है? स्वरूप ही देखने लायक है, ये बाहर का वैभव त्यागने लायक है। इन भगवंतों को देखो तो क्या देखो, अखिल विश्व में अपना शुद्धात्मा ही देखने लायक। कहां देख रहे हैं? कहां मग्न हैं? देखो भाई, पूजा दो करो, तीन करो, एक करो, ये कोई बात नहीं है।
लेकिन आयुष्मान की मत करना कल। आयुष्मान से करोगे तो पाप बंद होगा, बहुमान से करोगे तो पुण्य बंद होगा, और भेद ज्ञान से करोगे तो धर्म होगा। क्या कह रहे हैं? आयुष्मान की अगर पूजा करोगे, पूजा करते हुए तुम्हें आयुष्मान आ गया, मैं बादाम चढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा अंगूठी पहने हूँ, मैं ये मैं कोई अलग अलग पुजारी हूँ, अगर तुम्हारी आवाज में रोब आ गया, ए माली, समझ लो पाप बंद होगा। और बहुमान से अगर भगवंतों की पूजा करोगे तो तुम्हें पुण्य बना होगा, और भेद ज्ञान करते हुए अगर तुम्हारी पूजा होगी अथवा पूजा के काल में तुम्हें भेद ज्ञान होगा तो तुम्हें धर्म की पात्रता आएगी, तब तुम्हें धर्म होगा। ध्यान रखना भाई, ये दर्शन करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना मुक्त मार्ग का व्यवहार है कि नहीं है? नहीं है। अगर आपने इसी दर्शन से नहीं है तो, अगर केवल भोगों की कामना से है, मान बढ़ाई के लिए है, तो ये मुक्त मार्ग का व्यवहार नहीं हो सकता। ये पैर हमारे चलने में निमित्त है, लेकिन कहाँ चलने में निमित्त हो? मंदिर आओगे तो अभी इन्हीं पैरों से, और घर जाओगे तो इन्हीं पैरों से। दिशा सही होना चाहिए। वेद विज्ञान से सिद्धा, सिद्धा ये कीर्तना, असेवा भाव तो बद्धा, बद्धा ये कीर्तना। जितने भी जीव बने हैं संसार में भ्रम रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव में, और जितने भी जीव मुक्त हो रहे हैं, हुए हैं और होंगे, वे सब भेद ज्ञान के पिता। और तुम गुण चिंतक निजी पर विवेक प्रगटे बिगटे अब निज पर में केवल आत्मा अनात्मा इतना शब्द सामान्य रूप से मत करना। बाहर में काम अपने शॉर्ट कर लेना, लेकिन तत्व विचार में शॉर्ट मत कर। निर्भर विवेक में सात तत्वों का विवेक अंतर्गत बैठे। निर्भर विवेक की पहली लाइन क्या है बताना भैया? ये हमारा सुख है, दूसरा हमारा सुख नहीं। ये हमारा वैभव है, दूसरा हमारे वैभव नहीं। इनसे हमारी शोभा नहीं है, ये कलंक है। हमारी शोभा कम है, बोलो। भेद ज्ञान यहां से शुरुआत कर। अब जब नहीं सुख, ये हमारा सुख है, माने अतिनी सुख ही सुख है, तब अतिनी सुख किसके आचरण से प्रकट होता है? किस परिणाम से आएगा? कहां से आएगा? वह शुद्धात्मा जिसको देखने से अतिनी सुख प्रकट होता है, वह शुद्धात्मा देखने योग्य है। ये देखने योग्य क्यों नहीं है? हमें इनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये देखने योग्य क्यों नहीं है ये बता। इनको देखने से सुख नहीं होता। आपकी मित्र की दुकान है, फिर आप रुके क्यों नहीं? के रुके इसलिए नहीं है, हम जो चाहते हैं वो उसके पास नहीं। हमें हीरा चाहिए और उसकी परचूनी की दुकान, अब हम क्या करें? भले हमारी मित्रता है वो अलग व्यवस्था है, लेकिन रुके क्यों नहीं दुकान पर? क्या बात है, कुछ लड़ाई है? लड़ाई की बात नहीं है। जो तुम्हारी दुकान पर है वो हमें चाहिए नहीं, और जो हमें चाहिए वो तुम्हारी दुकान पर है। आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे और कुछ कहोगे? तो ऐसे ही समझ लेना, ये सुख कहाँ है? जिसे सुख हो वही जानने लायक है, जिसे सुख नहीं हो वह जानने लायक नहीं। अब इस कसौटी पर जब आप कसे दिए और परमात्मा को देखेंगे तो आप
क्या दुश्मन बता। शुद्धात्मा की जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। इसलिए शुद्धात्मा के सारपना घटित होता है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अन्य भी है, ये नहीं है कि नहीं है, ये तो पहले भी आपको कहा था। छह द्रव्यों को नहीं मानता वह ग्रहित मिथ्या, सात तत्वों को नहीं मानता वह ग्रहित मिथ्या, देव सात गुरु को नहीं मानता वह ग्रहित मिथ्या है तो सब, लेकिन हमारे काम के नहीं। क्यों क्यों? उनके जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं, इसलिए वहां सारपना घटित नहीं हुआ। शुद्धात्मा के जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है, इसलिए शुद्धात्मा को सारपना घटित होता है। आत्मा उपाधि क्यों है? लिखा है, अरे लिखा तो 2000 वर्ष पहले कुन स्वामी ने, उससे पहले भी आत्मा ही उपाधि थी। अहिंसा धर्म है क्यों? क्या लिखा है? लिखा तो 2000 वर्ष पहले, ज्यादा और क्या होगा? उससे पहले क्या अहिंसा धर्म होता था? आज आपने साथ पढ़ा और ये सोचा हम जीव हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या नहीं थी? कि हाँ अजीब ही हो रहे थे, अजीब को ही अपना मान रहे थे। ये ग्रंथों का ही उपकार है जो हमने अपना निर्गुण स्वरूप निहारा है, निर्पाली स्वरूप निहारा है, ये ग्रंथों का उपकार है। अंतर के भगवान को जब देखता है तब आनंद होता है, और जब उस आनंद में खिल नहीं रह पाता है तब इन भगवंतों का बहुमान होता है, तब सच्ची भक्ति होती है। तो आप समझ लेना, जब तक भगवंतों की भक्ति नहीं है तब तक भगवान कैसे बनेगा, और जब तक भगवान को नहीं जानेगा तब तक भक्ति कैसे होगी। अभिनव आदि एक साथ है, ज्ञान को ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान का ज्ञान नाम ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। विचार करो, एक रसोईया की जरूरत आपको हो जाए और इंटरव्यू के लिए पीएचडी का कोई आदमी आ जाए और रसोई के संबंध में उसको कुछ नहीं मालूम हो, आप क्या करेंगे? अनक्वालिफाइड निगलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? साहब हम पीएचडी है 3 विषयों, अरे हो गए इसे क्या मतलब, ये बताओ है 100 आदमियों के लिए हमको भोजन बनवाना है, कितना आटा लगेगा, कितना घी लगेगा, कितना मसाला, ये तो हमें नहीं मालूम, तो कि क्या उस भोजन के संबंध वाला ज्ञान चाहिए? भोजन के संबंध में ऐसे ही आत्मा की जीव के को आत्मा का ज्ञान चाहिए, मोक्ष मार्ग को आत्मा का ज्ञान चाहिए, बाहर के ज्ञान से मैं काम चलेगा? उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, फिर दोबारा दोहरा कोई बात नहीं। बोलो, जो अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करता है, जिसकी दृष्टि में जिसके ज्ञान में भिन्न भाषित होते, क्यों भिन्न भाषित होते हैं? अभिन्न आत्मा से हुआ है इसलिए वो भिन्न भाषित हो रहे हैं। ज्ञान का स्वरूप है, स्व को स्वरूप जानेगा, पर को पर्व जानेगा, पर को स्वरूप जानने वाले ज्ञान को ज्ञान कहेंगे क्या ज्ञान कहेंगे?
उपयोग आत्मा से अभिन्न हुआ तब शरीर भिन्न भाषित हुआ। पंडित बनारसी दास जी ने कैसे लिखा, जिनकी सुदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत धान कोसो झीला कृपान कैसो ज्ञान। जिनकी सुदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत धान कोसो झीलक छिलका छिलक माने छिलका कृपान कैसो ज्ञान है, तलवार का ज्ञान है। क्या कहें, ज्ञान की चर्चा आ गई, एक घटना याद आ गई। एक बार एक गुरु था, लौकिक गुरु की बात कर रहे हो, उस्ताद जिसको कहते थे हैं, अब वो तलवार वलवार चलाना और सब सिखाता था। जिस शिष्य को वो सिखा रहा था अभ्यास करते करते वो उससे भी आगे निकल गया और उसको इस बार गौरव था, हमारा शिष्य हमसे आगे निकल गया। पुतला शिष्या पराजय में थी, गुरु उसे कहते हैं जिसे शिष्य से पराजय की इच्छा हो। ईसा नहीं, हमसे आगे निकल जाए तो हमें खुशी होना चाहिए, ये नहीं है भैया जी तो हमसे बढ़ गया, हमसे आगे निकल गया, गुरु बना खत्म हो गया। गुरु उसे कहेंगे पुत्रा शिष्या पराजय लिखे, आप कच्ची मकान में रहे, आपके लड़के ने 3 मंजिल मकान बनाए थे, खुशी होती है कि ईसा होता जब उससे खुशी होती है तो सागरणी की वृद्धि में ईर्षा क्यों होती है। जिन्हें सागरणियों की वृद्धि में सुख शांति में ईर्षा होती है वे धर्म के पास भी नहीं, पाप भाव है। जिन्हें सागरणियों में वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, उमंग होती है, इनका मकान बन गया, चलो भाई अच्छा। अनुमोदना आना चाहिए कम से कम मकान की नहीं, मकान की नहीं, उनकी व्यवस्था बननी। गृहस्थ भूमिका में मकान कहां छूटा है, गृहस्थ की भूमिका में मकान नहीं छूटते, मकान को अपना मानना छूटता है, मकान का मोह छूटता है। मकान से अपनी शोभा मानना छूटता है, फिर दिखाने के लिए मकान नहीं, रहने के लिए मकान, दिखाने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े रह गए खाली, दिखाने की बातें खत्म हो गई। जब तक प्रदर्शन की भावना है सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं आई, और जब सम्यक दर्शन की पात्रता पैर कब आएगी, जब प्रदर्शन की भावना खत्म हो। तो तलवार चलाने में अपने गुरु जी से भी होशियार हो गया और गुरु जी को भी बड़ी खुशी थी। लेकिन क्या है, गुरु जी भी बढ़ते गए और स्थिति भी बढ़ता गया, उम्र हो गई, गुरु जी का देहावसान तो हुआ नहीं, और उसके मन में एक चाह जग गई, इनके सामने हमें कौन पूछता है, जी अगर चले जाए तो हमारी कुछ हो जाए। और उम्र होती गई, वे वयो व्रत होते गए, ये व्रत होता गया और 60 वर्ष का हो गया और गुरु जी 80-90 के बीच। अब उसको बड़ी कष्ट हुआ, इनके सामने हमें कौन पूछे, ईर्षा जग गई, ईर्षा जब जग गई तो एक दिन गुरु जी को खत्म करने की सोच। ईर्षा अनंत कराती ही है, और जिस अज्ञान से ईर्षा होती है वो अज्ञान से ज्यादा अनर्थकारी कोई है नहीं। सो क्या किया उसने, कहते कहते उड़ा दी बात, एक दिन देखेंगे गुरु जी का मकान सकरी गली में था। सकरी माने संगी, सकरा कहते तुम्हारे यहां चौके में,
ये सकरा निकरा क्या होता है, नए लोग ये समझते कुछ नहीं होता और पुराने लोग करते यही सब कुछ होता है। दोनों भूल में है। सकरा का अर्थ होता है संकीर्ण मर्यादा, जब धीरे हाथ उसमें आगे मिशन में लग जाएंगे तो उसकी मर्यादा कम हो जाएगी, इसलिए उसको सकरा कहते। वो तुम्हारी आटे की चम्मच घी में पड़ गई, अब आटे के कण घी में चले गए, उसकी मर्यादा कम हो गई, इसलिए उसको सकरा कहते। ये भी मत सोच लेना सकरा निकरा कुछ नहीं होता, और ये भी मत सोच लेना यही सब कुछ होता है, इसी से धर्म हो जाएगा। इस सकरे के लिए के नाम पर कसाय मत करना, सहनशा की बढ़ाओ अपनी, समझाने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, कभी कसायों के प्रसंग मत बना। ज्ञानी उसे ही कहते हैं जो कसायों के प्रसंगों को टालना जानता है। ज्ञानी उसे नहीं कहते कसाय के प्रसंग में कसाय है। कल भी हम बच्चों से कह करके आए, बेटा परीक्षा आ रहा है, लेकिन एक परीक्षा जीवन की है, क्रोध के प्रसंग में क्रोध हो जाए तो फेल हो गए, और क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं आया, मन में खिन्नता भी नहीं आई तो पास हो गए। मन के प्रसंग में मान आ गया फेल हो गए, और मन के प्रसंग में मान नहीं आया अपार वैभव है, अब बढ़िया खेलोत्सव है, बढ़िया रूप है, लेकिन कुछ नहीं। रूप तो सुंदर है तुम्हारा, अरे जिन रूप से सुंदर थोड़े देखना जानो, शकल तो अच्छी है, अरे भगवंतों की शकल से अच्छी कहां है। एक बात ज्ञान तो अच्छा है इस लड़के का, अलग का सोचने लगा वास्तव में ठीक है, अरे सोचो केवल ज्ञान से अच्छा थोड़ेंगे और सहज ज्ञान से अच्छा थोड़ेंगे, काय का मत काय का मत। अब उसने युक्ति लगाई तो अपनी जो तलवार लेकर के चलता था, जोड़ी तलवार बनाकर लंबी जोड़ी तलवार, एक फुट की भी दूसरी जगह दो फुट डेढ़ फुट हो गई, तलवार बड़ी हो गई। गुरु जी को पता चल गया तो उन्होंने भी अपनी दूनी कर ली, जब दूनी कर ली तो शिष्य को पता पड़ा उसने तिगुनी कर ली, तिगुनी लंबी तलवार, और गुरु जी दुगुनी लंबी तलवार लेकर के चल रहे हैं। समझना जरा ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक दिन उस तकरी गली में गुरु शिष्य का आमना सामना हो गया, आज तुम्हें देखना ही है, और नहीं यार देख ले बेटा, गुरु जी के तो शिष्य शिष्य है और शिष्य को बैर पड़ा है, आज तुम्हें देखना ही है, देख ले बेटा। अब वो तलवार गुरु जी ने क्या था, गुरु जी की होशियारी के ज्ञान ही लंबी तलवार लंबी नहीं, उन्होंने झट तलवार निकाल ली और गुरु को शिष्य निकालता रहा, कितनी लंबी तलवार कैसे निकाला, सकरी गली और तिगुनी लंबी तलवार अब कैसे निकले। गुरु जी ने जैसे तलवार निकाली, अब बेचारा घबरा गया, घबरा गया तो अकल समझ में आ गई, विनय सर्व समस्याओं का समाधान है, विनय सर्व समस्याओं का समाधान है, अभिमान सारी आपदाओं का मूल कारण है। शिष्य झट से गुरु के चरणों में घुस गया, महाराज अपराध हो गया, बस गुरु जी को क्या था, गुरु जी के जीवन में तो कुछ था ही, उन्होंने धर्म चलवा उनके ऊपर, लेकिन ऐसी नहीं ऐसी झट आशीर्वाद काम खत्म हो गया, तलवार ही तिगुनी नहीं ज्ञान ही तिगुनी थी, बस ध्यान रखना। शरीर भले 500 धनुष का हो लेकिन आत्मा तो असंख्यात प्रदेश ही है,
ये अभिमान बिल्कुल कभी मत करना, हम किसी से कम नहीं है। ये सदैव ध्यान रखना, हमसे भी कोई कम नहीं है। सदैव ध्यान रखना, हमसे भी कोई कम है, किसी बात में कम नहीं है। जीव है कि नहीं, असंख्यात प्रवेशी है कि नहीं, बोलो अनादि अनंत है कि नहीं, और अनंत गुणों का समूह है कि नहीं। अब काय बात में कम है, जिसे तुम अपने को अधिक समझ रहे हो वो तुमसे अधिक है। क्या कह रहे हैं, समझ पाए कि नहीं? जिसको तुम जिससे तुम अपने को अधिक मान रहे हो, हमारे पास पैसा जा है, वो पैसा अधिक है, ओवरफ्लो में बहाव, वो हमारा नहीं है, हमारे से भिन्न है। जिसको तुम ये सोच रहे हमारे पास ज्यादा जायदाद है, वो तुम्हारे से अधिक है, तुम्हारी नहीं जायदाद नहीं। जिस छयोसम को तुम सोच रहे हमारे छयोसम अधिक है, वो छयोसम तुम्हारा नहीं है। ये सब ने उद्गल किए थे, इनमें नहीं। लेकिन सच्चा कब होगा? अभी झूठ बोल रहे हैं। सच्चा कब होगा? जब अपने से मिलोगे, जब साधर्मियों से मेल मिलाप आएगा। तब इनसो नहीं हमारो मेल, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे तुम्हारे बीच में ये पीछे बातें कहां से आगे आ गई? ये व्यवहार कैसे बिगड़ गए? ये पैसा वाला है, ये करीब है, ये ज्यादा छयोसम है, ये कम छयोसम है, ये बीच में कहां से आ गई? व्यवहार बिगड़ कैसे गए? साधर्मी साधर्मी के व्यवहार के बीच में ये धन पैसा आगे नहीं आना चाहिए। हम भी आत्मा हैं और सामने वाला भी आत्मा है, ये बीच में कहां से बातें आ गई? और एक भाव है उसमें भाव, और ये सब संयोग और संयोगी भाव, ये सब कहां से आ गया? छोटा बच्चा भी हो, शरीर ही छोटा है, आत्मा छोटा है। बोलो बोलो, है कि नहीं? शरीर ही छोटा है, आत्मा से छोटा नहीं। उसका संस्कार करने का भाव कैसे आ गया तुम्हें? तुम्हें कही है कल का लड़का क्या जानता है? हमने इतनी उम्र हो गई, क्यों की कौन की उम्र हो गई? सोचो तो सही भैया, ये अभ्यास करना है आपको। रूढ़ी की क्रियाओं के आधार से अपने को धर्म आत्मा मानना बड़ा भ्रम है। छयोसम ज्ञान से अपने को ज्ञानी मानना बड़ा भ्रम है। बाहर के वैभव और भोगों से अपने को सुखी मानना ये भ्रम है। और भ्रम जनित दुख का दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। और भ्रम कैसे दूर होता है? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। ज्ञान उसे कहते हैं जो अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करता है, जिसमें स्वयं जिस ज्ञान की स्वच्छता में ये भिन्न बाधित होते हैं, रागाजित ये बाधित होते हैं, दुख रूप और दुख के कारण बाधित होते हैं, ये वितराग की दशा आनंद रूप बाधित होती है। ध्यान रखना, वितराग भगवान हमारे आदर्श हैं और वितराग दशा हमारी साथ है। अपनी भी वितरागी दशा ये हमारा साध है और वितरागी भगवान हमारे आदर है। इन पंच परमेश्वर का स्वरूप वितराग से ज्ञानमय है और हमारा स्वरूप भी राग से भिन्न ज्ञानमय है। अंतर है समझ शब्दों में। परमेश्वरी भगवान का स्वरूप वितराग से ज्ञानमय है और हमारा स्वरूप राग से भिन्न ज्ञानमय। क्यों विकरा क्यों नहीं कहा? परमात्मा ऐसे है जिनका राग विकीत हो गया है, नष्ट हो गया है, और आत्मा ऐसा है जिसमें राग हुआ ही अंतर। आत्मा विकराग नहीं है, परमात्मा विकराग है।
परमात्मा दूसरा क्यों? पहले राग था उनको, अब राग का नाश हो गया, ठीक है। लेकिन आत्मा में तो पहले से ही राग नहीं है, प्रागे शुद्धम अनादिकाल से ही शुद्ध है। एक दरिद्र और एक दरिद्र जैसा अंतर है दोनों में। जिसके घर में भी निधि नहीं है वो तो दरिद्र है, और जिसके घर में निधि है और पता नहीं है वो दरिद्र जैसा है। दरिद्र में और दरिद्र जैसी में अंतर है कि नहीं? ऐसे अज्ञानी और ज्ञान बिना का पुद्गल ज्ञान रहित है, लेकिन कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं है और फिर भी अज्ञानी हो रहा है। यहाँ ज्ञान रहित होते हुए ज्ञान सहित होते हुए भी अज्ञानी क्यों? कि अपने ज्ञान को जानता है, मैं सहज ज्ञान स्वरूप। हम तो अज्ञानी, हमको जानते नहीं, हमें कुछ आता नहीं। किसको देख रहे हो? वर्तमान की पर्याय को देख रहे हो, अपने प्रकाश स्वभाव को देख रहे हो? ये तो हमने लौकिक का दृष्टांत भी आपको दिया था पहले कि नहीं? आप मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे और फल बारी का ठेला लगा था, बढ़िया पेटी आई होगी वहां। सेठ जी क्या पेटी भेज रहे, बढ़िया फल आए, आज ही आए, आज ही है बिल्कुल। बोले भैया पैसा तो है, कभी सेठ जी ऐसा कहते? और मान लो कभी कह भी गए तो ठेले वाला क्या कह रहा, पैसा कौन मांग रहा, पैसा कौन मांग रहा है? और पैसा आ जाएंगे तो मन कौन रहा है और आ जाएंगे? विचार ना, पैसा कौन मांग रहा है, आ जाएंगे पैसा कौन दे? और चार दिन नहीं आए, छह दिन नहीं आए तो यदि वो पैसा नहीं आए, सोचो सोचो व्यवहार में और भीतर में कितना अंतर है। सेठ जी के जेब में पैसा नहीं होने पर भी उनको ये कुछ नहीं लगता, ठीक है दो पेटी भेज दो, एक पेटी भेज दो, ये तो फल चीज है, आज पाठशाला में बढ़वाएंगे, दो पेटी भेज दो। बिना पैसा बोली बोलने का नंबर आया 5,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, तुम्हारी जेब में है कि नहीं? अरे जेब में नहीं है लेकिन तिजोरी में है। जब तिजोरी के बल पर आप बोलते हो, जेब के बल पर तो नहीं बोलते, तो आप मुक्त मार्ग में पर्याय के बल पर क्यों बोलते हो, स्वभाव के बल पर क्यों नहीं बोलते? आप विचार करो, ये क्यों कहते हो हमें ज्ञान नहीं? ये सोचो आप, मैं सहज ज्ञान स्वरूप। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो। अगर ये परमात्मा अनंत चतुष्टय से अनंत चतुष्टयवान है तो भगवान आत्मा भी सहज चतुष्टयवान, सहज चतुष्टयवान। क्या कहें, निज वैभव की जन्म की बात है। हे भाई तेरे भीतर वैभव तो है, सुख तो है, प्रभुता है, ज्ञान है, सर्वस्व है। अरे जो चाहता है वह सब कुछ तेरे भीतर है, और जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं, घबराना नहीं। जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं, क्यों? अब सागर के तैरने के लिए पैसा भले नहीं चाहिए, लेकिन नदी तैरने के लिए तो पैसा चाहिए, क्यों भाई? बोलो, नदी तैरने के लिए तो पैसा चाहिए। अरे डूबने के लिए पैसा चाहिए, तैरने के लिए नहीं, ध्यान रखना। आपको एक दृष्टांत बताया, एक साधु अपने परिग्रह में रह करके अपने को साधु मान रहा था, और एक परिग्रह से रह था। नदी के किनारे पर परिग्रह से रह साधु खड़ा हो गया अपने ध्यान चिंतन में,
और सोचने लगा अब रात यही कर अपनी करनी है धन ज्ञान की कर। सामायिक में अभी बैठे नहीं थे, दूसरा साधु पैसे वाला आया, उसने कहा नाव नाव चलाओ जल्दी चलो उस पार पहुंचना। बोले महाराज आप तो नहीं चले, अरे 1 रुपया ले सीधा क्या रानी की जगह 1 रुपया ठीक है चल रहे तो चले देते हम। सुबह से नाव में बैठ गया, करने लगा तो नाविक ने इधर देखा, महाराज आपको नहीं आना भैया, हमारे पास तो पैसा नहीं तो आपसे मांगता कौन है भैया, आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे मांगता भी कौन है, हम भी पैसा उसी से लेते हैं जिसके पास पैसा होता, आप तो बैठो। अरे आपके बैठने से हमारी नाव पवित्र होगी, हम चल जाएंगे आपको नहीं डालेंगे। क्या कहा समझ गए बहुमान, महाराज आप बैठोगे हम तैरेंगे संसार, हम आपको ये सागर तिरा रहे हैं नदी तिरा रहे इससे क्या होगा, हम तो भवसागर से तिरेंगे, आप तो विराजो आनंद से, पैसा हो तो डूबेगा के तेरेगा। अरे वो 1 रुपया दे करके तिरा है कि 1 रुपया गांठ में बांध करके तिरा है, वो भी उसने 1 रुपये का त्याग किया है तब वो तिरा है, 1 रुपये का उसने गांठ में नहीं रखी। अगर वो थोड़ा रोक कर जाता कि चार आने लगने 1 रुपये का को दें तो वो तिर रहा, उसने ऐसे से ठीक है 1 रुपये। तुम्हारी प्रभुता में भी ये परिग्रह का त्याग निमित्त होगा, परिग्रह होगा तो ज्यादा से ज्यादा राजा और परिग्रह नहीं होगी तो महाराज, परिग्रह होगी तो ज्यादा से ज्यादा राजा और परिग्रह का नहीं होगा तो ध्यान रखना एक बात, फल पर छिलका होता है, धान्य पर छिलका होता है, बादाम छिलका और मिर्ची दो दो दोनों चीज हैं। अब कल्पना करना, बादाम की मिर्ची से छिलका अलग हो गया तो मिर्ची की कीमत घट गई कि बढ़ गई, छिलका सहित बादाम और छिलका रहित बादाम, बोलो कीमत घट गई कि बढ़ गई, बढ़ गई। और छिलका अगर बादाम का संग छोड़ दिया तो उसकी कीमत घट गई कि बढ़ गई, कचरा हो गया वो छिलका। ऐसे ही यहां समझना, शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर मट्टी, भैया मट्टी का खराब करे करो लगाओ संस्कार करो अपने काम लगाओ, मट्टी का हो गया आप कोई भी काम, उसको शरीर को क्या कहेंगे, आत्मा रहे शरीर मट्टी है, आत्मा रहे शरीर मट्टी है और शरीर रहे आत्मा भगवान। अब आप बता, और शरीर में बेहोश हो रहे हो और शरीर रहित आत्मा ही मट्टी नहीं है, अकेला आत्मा मट्टी नहीं है, आत्मा रहित शरीर ही मट्टी नहीं है, उल्टा कह रहे आत्मा रहित ज्ञान ही मट्टी है, आत्मा रहित धर्म भी मट्टी है। बहुत अपने को बड़ा धर्मात्मा मान रहे हो, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो क्या है बोलो, बहुत बड़ा ज्ञान मान रहे हो आत्मज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो अन्य तपस्या से क्या काम, आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो अन्य तपस्या से क्या काम, आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो अन्य ज्ञान से फिर क्या काम, आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो अन्य ज्ञान से फिर क्या काम।
सोचो विचार करो। ज्ञान उसे कहते हैं जो निराकुलता को सुख जानता है, अपने को आप रूप जानता है, शरीर आदि को भिन्न जानता है। अपने दुख का एकमात्र कारण अपने अज्ञान को, अपने मिथ्यात को, अपने रागादि भाव को जानता है। पर दर्द को दुख का कारण जाने वह ज्ञान नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। आज बहुत गर्मी है, गर्मी है, लेकिन गर्मी एक तेरे दुख का कारण नहीं है। कसायों की बड़ी गर्मी कभी नहीं होती। कसायों के वशीभूत होकर के ये भी हवा के वेग के तूफान छुद्ध समुद्र की वहां छुद्ध होता जाता। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है। अरे भैया विचार करो, ज्ञान जैसी शीतलता नहीं है, कसायों जैसी गर्मी नहीं। और ज्ञान नहीं है और कसाएं हैं तभी ये गर्मी सर्दी हो लगती है तुम्हें, दुख का कारण। और नहीं तो इनका ज्ञान होते हुए भी दुख नहीं होगा। गर्मी है, ऐसी गर्मी में हमारे योगीश्वर कहाँ बैठे हैं? सोचो, ये गर्मी भगवान के केवल ज्ञान में झलक रही है कि नहीं झलक रही? अगर दुख का कारण होती तो उन्हें भी दुख होता। अरे सर्दी के मौसम में भी उनके ज्ञान में गर्मी झलक रही है। युगपत दिखता है ना, परसों वाली गर्मी भी आज उनके ज्ञान में आ रही है, आज वाली गर्मी भी आज ज्ञान में आ रही है और बिल्कुल दुख नहीं। इसका मतलब है दुख का कारण कोई और होना चाहिए। दुख का कारण गर्मी सर्दी नहीं है, और दुख का कारण गर्मी सर्दी का ज्ञान भी नहीं है। दुख का कारण अपनी कसाएं। जितने भी जीव हैरान हैं वो अपनी कसायों के कारण हैरान है। कसाय कहने से मिथ्यात अंतर्गर्भित हो गया। कसाय माने अकेली कसाय नहीं, अकेली कसाय होती भी कहां। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसा कसायान, अकेला परिग्रह माने परिग्रह अंत में है, जिससे परिग्रहण ध्यान रखना। कहां गर्मी कहां सर्दी, गर्मी सर्दी पुद्गल से अभिन्न है और गर्मी सर्दी का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। अब ज्ञान कहां, अब बता कहां रह गए। ज्ञान आत्मा में मिल गया और गर्मी सर्दी पुद्गल में चली गई, परिणाम में क्या रहा बता। परिणाम में समझा आ गया, समझ में आया। गर्मी सर्दी ये पुद्गल के साथ अभिन्न हो गई, ठीक है ना। और गर्मी सर्दी का ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है। अब परिणाम में क्या हुआ, परिणाम में समझा आ गया। ये परिणाम में समता आ गई तो समता के लिए तो आएगी नहीं, आनंद भी आएगा, प्रभुता भी आएगी। अकेली तो आएगी नहीं समता। निज वैभव का जन्म माने निज वैभव का अनुभव। निज वैभव का जन्म माने निज वैभव का अनुभव। और निज वैभव के जन्म की प्रक्रिया कहां से शुरू कर रहे हैं, और निज वैभव का जन्म कहां से हुआ, आपके जन्म की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई। टटोलना भीतर, आपके जन्म की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई और जन्म कब हुआ। 9 महीने मां के गर्भ में रहे, प्रक्रिया कहां से शुरू हुई। 9 महीने मां के गर्भ में रहे लेकिन जन्म तो नहीं है। जन्म कहा गया जब गर्भ से बाहर, तो 9 महीने जब जन्मवाणि का अभ्यास कर लो कम से कम, तब तो आपका गर्भ कल्याण कुछ बने। अभ्यास कर लो, ठीक है, 6 महीने 9 महीने कोई बात नहीं,
हमारा मतलब जिनवाणी के अभ्यास से आप गर्भ में आएंगे और जब जिनवाणी के गर्भ से बाहर आएंगे, अभ्यास से बाहर आ जाएंगे, तब आपको जन्म होगा। स्वानुभव में निज वैभव का जन्म होता है। जिनवाणी के अभ्यास से निज वैभव का निर्णय होता है। जिनवाणी के अभ्यास से गुरुओं का उपदेश भी जिनवाणी का अभ्यास ही है। गुरुओं का उपदेश भी जिनवाणी का अभ्यास है। चाहे भोजन हो चाहे सीधा हो, सीधा समझ गए आधा दाल और घी नमक बचती है ना, सीधा ले जाते हैं बनाते वो अपना, उसको सीधा बोल देते। तो चाहे सीधा हो चाहे सीधा बना हुआ भोजन हो, अंतर क्या है? सीधा भी जो ले जाएगा वो भोजन बना करके ही खाएगा, वैसे आता तो नहीं खाएगा, वैसा ही घी तो नहीं पिएगा, वो भोजन बना करके ही खाएगा ना। तो ऐसे जिनवाणी का अभ्यास करके भी स्वानुभव के बिना का पेट कैसे भरेगा? जिनवाणी भी स्वानुभव का मार्ग बता रही है। जिनवाणी में भी स्वानुभव ज्ञान को ही अपूर्व ज्ञान कहा है, द्वारा का ज्ञान को ही अपूर्व लब्धि नहीं। और द्वारा भी केवल जिनवाणी केवल अपने आत्मा को जानने के लिए, तो निज वैभव का जन्म कैसे विचार करना? जिनवाणी की अभ्यास ही जब निज वैभव का निर्णय होता है तब गर्भ में आया, और जब स्वानुभव वैभव में संतुष्ट हुआ, दिखाई दिया, जन्म हो गया, और निज वैभव में संतुष्ट हो गया तो भगवान हो गया। जो बाहर के वैभव में अटका है वह विराजत है, और भगवान के सामने निज वैभव को पहचान रहा है वह आराधक है, और निज वैभव में संतुष्ट है वह परमात्मा है। बेचारा सहजानंद सोहर अभिनाशी।